नमस्ते सभी को। तो कल हम लोग अभ्यास दो का स्टेप थ्री डिस्कस कर रहे थे। अभ्यास दो में स्वयं द्वारा शरीर को देखने का यानी चैतन्य द्वारा जड़ को देखने का अभ्यास कर रहे हैं। इसके स्टेप वन में हमने चैतन्य और जड़ इन दो वास्तविकताओं को यानी मैं और शरीर को अलग अलग पहचानने का प्रयास किया और ये पता चला कि मुझे अपने होने के बारे में पता लगता है अपनी क्रियाओं को देखने से और शरीर के होने का पता लगता है शरीर से आने वाली संवेदनाओं को पढ़ने से। अभी दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं परंतु इसको हम अभी और ऑब्जर्व करते जा रहे हैं। स्टेप टू में हमने मैं और शरीर के बीच होने वाले आदान प्रदान को देखा और पता चला कि इसमें कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचनाओं का ही है। तो आवश्यकता अनुसार समय अनुसार मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो सूचना है और शरीर से मैं आने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ, वो भी एक सूचना है। अब स्टेप थ्री में हम ये देख रहे हैं कि निर्णय कौन लेता है, इस सूचना के आदान प्रदान का निर्णय कौन लेता है, उसको कल हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो इसको जो भी ऑब्जर्वेशन में आया उसको हम अभी डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया ये पूछना है, देखिए निर्णय तो मैं ले रही हूँ, किसी का व्यवहार इसको पढ़ने का निर्णय, समझ की कमी है इस वजह से थोड़ा गड़बड़ी कर रहे थे, बट इसी को मुझे क्यों पढ़ना है, इसी संवेदना को मुझे क्यों मैं ज्यादा महत्व दे रही हूँ। तो मैंने थोड़ा समझने की यहाँ कोशिश की, ये क्यों को समझने की कोशिश की, क्या मैं व्यवस्था को चाहती थी इस वजह से मैं इसी संवेदना को ज्यादा महत्व दे रही थी, ऐसे समझ सकते हैं। मैं सुखी होना चाहती हूँ, सुखी होना के क्रम होने के क्रम में मुझे अभी ये महत्वपूर्ण लगता है। तो जो व्यक्ति समझने में नहीं लगा हुआ है ना, उसको भी देखिए तो भी सुखी होना चाहता है, सुखी होने के लिए ध्यान दे रहा है। जो समझने में लगा हुआ है वो भी ध्यान दे रहा है, जो समझ गया है वो भी ध्यान दे रहा है। तो हम सुखी होना चाहते हैं, उस क्रम में जो हमको महत्वपूर्ण लगता है उस पर ध्यान देते हैं। अब शरीर में कुछ प्रतिकूल घटना हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इचिंग हो रहा है और बार बार सूचना आ रही है, ठीक है ना। अब वो मेरे अंदर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है जिसको मैं नहीं चाहता हूँ, तो उससे बाहर निकलने के लिए मैं इचिंग करता हूँ उससे। ठीक है भैया, ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते जी, बढ़िया। तो इसे अपने आप को देखना है, संकेत देने का और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन करता है, मैं या शरीर? तो शरीर को संकेत देने का निर्णय मैं लेता हूँ, संवेदना को पढ़ने का निर्णय भी मैं लेता हूँ, जिस संवेदना को महत्वपूर्ण मानता हूँ उसे पढ़ने का निर्णय लेता हूँ। सूचनाओं का आदान प्रदान का जो निर्णय है पूरी तरह से मेरा है, आवश्यकता अनुसार इस आदान प्रदान को मैं करता हूँ, सामयिक रूप से करता हूँ, निरंतर नहीं। मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है, मैं शरीर को अपने निर्णय अनुसार चलाता हूँ, साधन की तरह प्रयोग करता हूँ। इतनी बात कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको लेकर कोई और प्रश्न है? इन बातों को ऑब्जर्व करने से ये होगा कि एक तो मैं और शरीर के अलग अलग होने का पता लगेगा, दूसरा शरीर मुझे साधन के रूप में दिखाई देता है, सुख दुख भोगने वाला मैं, निर्णय लेने वाला मैं, है ना। तो शरीर तो साधन ही हुआ, इस बात को हम लोग डिस्कस भी किए थे, बट इस चीज को ऑब्जर्व करने से जैसा है वैसा उस क्षण में ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर में नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, एक साधन की तरह प्रयोग कर रहा हूँ, अपने आप में मैं एक आराम की स्थिति चाहता हूँ, उस अर्थ में मैं शरीर का प्रयोग करता हूँ, ना समझी बस इसे संवेदना को लेकर मैं सुखी होने का प्रयास करता हूँ, समझ कर इस संवेदना का सदुपयोग करता हूँ और इसे जो बड़ा रोल है मेरा उसको मैं पूरा करता हूँ, नहीं तो इसी संवेदना को लेकर मैं अपनी जिंदगी लगा सकता हूँ कि ऐसी अनुकूल संवेदनाएं मिलती रहे और जहां प्रतिकूल आता है परेशान दुखी होता हूँ। तो जो साधन है उसी को हमने सुख का स्रोत मान लिया, ये गलत हो गया। साधन को साधन की तरह देखता हूँ तो सुख के स्रोत को ठीक से प्रयोग कर पाता हूँ, सदुपयोग कर पाता हूँ, सुखी होना चाहता ही हूँ। कोई प्रश्न हो कि नहीं का तो हैंड रेज कर सकते हैं, इतनी बात स्पष्ट है।
जो बात इस स्टेप में कही जा रही है। तो जो बात हम लोगों ने पहले भी की थी उसको अब हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं देखता हूँ तो संवेदना को पढ़ता हूँ, निर्णय मेरा है, तो देखने वाला कौन हुआ? मैं ही हुआ ना। आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को देखने के लिए प्रयोग करता हूँ, 5 इंद्रियों का प्रयोग करता हूँ। तो मैं ना चैतन्य इकाई ही देखने समझने वाला हूँ। इंद्रिया है, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है, ये सब शरीर के अंग है, इनका प्रयोग करता हूँ। तो जब मैं शरीर के बाहरी वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तब इनका प्रयोग करता हूँ। शरीर के भीतर जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं उसको भी मैं पढ़ता हूँ, इसमें इनका रोल नहीं है। बट इसको देखने समझने वाला, इसको पढ़ने वाला मैं, तो मैं देखने का निर्णय लेता हूँ, मैं ही दृष्टा हूँ, साधन की तरह शरीर का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं करने का निर्णय लेता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को करने का संकेत देता हूँ, इस प्रकार मैं ही करता हूँ। तो जब भी मैं कोई हरकत करता हूँ उसमें निर्णय मेरा रहता है। तो आप जो कल भी बात हो रही थी, शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही है जैसे पेड़ पौधे में होती रहती है, वैसी हो रही है, उनकी मेरी अंदर स्वीकृति बनी हुई है, सांस चले है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम काम करे, ये कोशिकाएं अपना अपना काम कर रही है, करती रहे, उनकी स्वीकृति बनी रहती है। तो ऐसा नहीं कि हर कोशिका को स्पंदन कराने का निर्णय मेरा है, हृदय को हर बार धड़काने का निर्णय मेरा है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो सहज रूप से हो रही है, परंतु इसको अगर प्रभावित करना है तो निर्णय मेरा है, वो अपने आप नहीं होगा। और यदि कर्मेंद्रियों की बात करें तो पूरी तरह से मैं ही करता हूँ, जैसे मुंह से आवाज निकलनी है तो मेरे ही निर्णय से निकलेगा, हाथों से कुछ करना है मेरे ही निर्णय से होगा, पैरों से कुछ करना है मेरे ही निर्णय से होगा कि नहीं। और शरीर के ऐसे भी जो शरीर में भी जो ये करते हैं, हरकतें करते हैं, वो मेरे ही निर्णय से होता है। बैठ के कपाल भांति कर रहे हैं, सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पेट को फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं, फुला रहे हैं, पिचका रहे हैं, अपने आप थोड़ी हो रहा है, मेरे ही निर्णय से हो रहा है। तो करने का निर्णय मेरा है। तो शरीर की अपनी एक व्यवस्था बनी हुई है, बट जब साधन की तरह प्रयोग करने का निर्णय करता हूँ मैं उसको, जब उसको प्रभावित करने का मैं प्रयास करता हूँ तो उसमें निर्णय मेरा है। और मैं ही सुखी दुखी होता हूँ। शरीर में तो बहुत ही सारी घटनाएं हो रही है, गर्म हवा चल रही है, एक तरह की संवेदना आती है, ठीक, ठंडी हवा चलती है, दूसरी तरह की संवेदना आती है, बारिश में भींगता शरीर, तीसरी तरह की संवेदना आती है। आप इस तरह से देखें तो शरीर एक जड़ इकाई, उस पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है ना, और वो सूचना मुझ तक आती है, मैं उसको अर्थ देता हूँ, उस अर्थ से मैं प्रभावित होता हूँ या नहीं होता हूँ, इतना भर है। ये साफ साफ जो हमको दिखने लगा कि बाहरी वातावरण है, शरीर है और मैं, ठीक, सुख का स्रोत मुझ में है, बाहर से सूचना भर आ रही है, उसका मुझे सदुपयोग करना है। इसको हम अगर अपने आप में ठीक से चित्रित भी करें तो शरीर का जिस तरह से अभी हम प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं। आप अगर ये निर्णय ले लें कि मैं शरीर को बैठाए रखना है 1 घंटे तक, हाथ नहीं खोलना है, पैर नहीं खोलना है, आंखें नहीं खोलना है, बैठा लेते हैं, जो आपने वो निर्णय लिया है, तो उस बीच में देखिए, तो अगर आपने अभी अभ्यास शुरू किया है तो बार बार ऐसा होगा आपके अंदर की जो आस्वादन हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, देखो पैर झलना रहा है ना, कहीं टूट ही ना जाए, पीड़ा बढ़ती जा रही है, तो कई बार आप निर्णय को बदलने की सोचते हैं, फिर आपको लगता है नहीं ये निर्णय को बनाए रखना, तो विचार करते हैं फिर इस निर्णय को बनाए रखते हैं, चयन निश्चित बना रहता है। बट वही अगर आपने ये निर्णय नहीं लिया, उस भाव से नहीं लिया कि इसको बना के रखना है 1 घंटे तक, देखिए 1 घंटे में हम कम से कम 20 बार तो पोस्चर बदलते हैं, हाथ का, पैर का, घर का बदलते ही है, कोई अपने आप में कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है, आवश्यकता लग रही है बदल रहे, बट अभी हमने एक निर्णय लिया कि जैसे अनुकूल लगे वैसे बदल लो, वहां निर्णय लिया नहीं, एक ही पोस्चर बना के रखना है, तो आपको दिखाई देगा कि जो भी शरीर से हरकतें हो रही हैं सारा निर्णय मैं कर रहा हूँ,
और सुखी दुखी भी मैं ही हो रहा हूँ। शरीर में कोई प्रतिकूल संवेदना हो रही है, पैर झन्ना रहा है, पैर सो गया है, या पैर ऐसा लग रहा है कि घुटने के ऊपर कुछ भारी जकड़न हो गई है, टूट ही ना जाए, नहीं आपने फिर भी बनाए रखा शरीर को उसी अवस्था में, आंखों से पानी आने लगा, तो ये तो शरीर में हो रही क्रियाएं हैं। आप उससे दुखी होंगे नहीं होंगे है ना, ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि दुखी होने वाले आप हैं, सुखी होने वाले आप हैं। इस बात को हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम लोग ऐसा करेंगे अभी 10 मिनट का समय लगा के उसको ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन आता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बढ़िया, कुछ हैंड्स रेज्ड हैं, कुछ चैट बॉक्स में भी प्रश्न है। नमस्ते सर। सर चेतन ने तो थक ही नहीं रहा और इतनी फास्ट काम कर रहा है, उसमें तो मतलब कि बॉडी बेशक कुछ भी कर रही है पर वो बहुत फास्ट चल रहा है, हर जगह बार बार इधर उधर सब जगह उसका ध्यान है। एक क्वेश्चन था, चैतन्य को हम कॉन्शियस ही कहते हैं ना सर, क्योंकि हम तो शुरू से ही हम सेल्फ सेल्फ बोल रहे हैं, तो अगर हम उसकी जगह कॉन्शियस बोले तो गलत तो नहीं है? नहीं, ठीक है, तो चैतन्य को ही कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, बट आपने चैट बॉक्स में जो लिख दिया जड़ लिख दिया गलती से, तो चैतन्य को कॉन्शियसनेस कह रहे हैं। ओके ओके, हाँ जड़ तो अलग है। बढ़िया दीदी। हाँ जी, और सर अगर हम ज्यादा और ज्यादा डीपली जाए तो वो बहुत सारे डिसीजन भी ले रहा है और बहुत सारे काम कर रहा है सर, मैं तो अगर मैं बहुत ज्यादा गहराई में जाऊं तो वो बहुत हर तरफ चारों तरफ घूम रहा है, ऑफिस भी, ये भी, उधर भी, बच्चों के साथ कॉलेज भी, घर भी, हर चीज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने इतना उसको बिजी कर दिया है कि हम और कोई चीज हैप्पीनेस और हार्मनी से ऐसे लगता है कि हम लोग थोड़े से दूर हो जाते हैं इस तरीके से, तो हमें क्या उसको और ज्यादा वर्क करना है इसके ऊपर? हाँ क्यों नहीं, तो अपने ऊपर काम तो करना ही है, अपने में हार्मनी इंश्योर करने का सारा काम कर रहे हैं। जी सर, तो अगर बीच में अगर कोई, हाँ जी 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 सर, भी बहुत रैंडमनेस है, तो हम कह रहे हैं बहुत एक्टिव है ना, बट एक्टिव भी है, तो अगर क्या इस प्रकार से देखें तो हो सकता है बहुत हैफजर्ड है, बहुत है ना अनऑर्गेनाइज्ड है। यस सर, अनऑर्गेनाइज्ड है सर, ये वर्ड बिल्कुल सही आ रहा है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, वो किसी चीज को मैनेज भी नहीं कर रहा और ऑर्गेनाइज भी नहीं कर रहा। जी, बट उसे अब सेल्फ ऑर्गेनाइज होना है। रहेगा। और सर व्याकुलता तो बहुत ज्यादा है, इससे मेरे को लग रहा है कि ज्यादा परेशानी है, व्याकुलता हूँ। हाँ हो सकता है, जो व्याकुलता है उसका मतलब इतना ही हुआ कि सुख की आशा तो बनी हुई बट सुख का स्रोत पता नहीं है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहां से, है ना, जैसे तैसे हम उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, इसलिए व्याकुल रहते हैं। सुख का निश्चित स्रोत दिखाई दे जाए तो फिर ध्यान वहां बना रहता है, जब तक नहीं दिखता व्याकुलता रहती है। सर इस मेरे को लगता है इस व्याकुलता में ही काम करने का ज्यादा लग रहा है कि हाँ यहाँ पर हम इसको ठहराना है और हार्मनी में इसको प्रॉपर लेके आना। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस पे काम करना है, उसमें वही काम करना है, एक तो अपने भाव को निश्चित करना है और दूसरा जो शरीर से आने वाली संवेदना है उसको पढ़ के उसका ठीक से सदुपयोग करना है। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी भैया, आज का जो हमने ऑब्जर्वेशन यहाँ स्लाइड जो हमने लगा रखा है अभ्यास स्टेप 3, इसमें मैंने देखा कि जैसे
हम बोल रहे हैं कि हम ही सीयर हैं, हम ही मतलब सेल्फी सीयर है, सेल्फी डूअर है। अब जैसे कि मानते हैं कि कभी होता है कि कभी हमारे शरीर में हमें परेशानी महसूस होती है, एंड चूंकि सेल्फ हम बोल रहे हैं कि इस परेशानी का निर्णय मैंने स्वयं लिया है, सो कई बार अगर हम अपने आप को अपनी उस परेशानी को इग्नोर करते हुए चाहते हैं कि थोड़ा ये कर लें कि नहीं ठीक है मैं मोटिवेटेड हूँ और मुझे जो काम करना है उस पर मुझे अपना फोकस रखना है, और कई बार इसके कारण ये भी होता है कि जो बॉडी की अगर रियल परेशानी हुई तो बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ ये देखते हैं यहीं पे रोक के थोड़ा क्लियर कर दे कि शरीर में परेशानी, मेरी बात कम्प्लीट हुई है प्लीज। दूसरी तरफ अगर हम देखें डांसर सुधा चंद्रन जी का एग्जाम्पल हम सबने सुना है, सब जानते हैं नाचे मयूरी जिस पर एक फिल्म भी आई थी, इसमें ये था कि डॉक्टर्स ने उन्हें मना कर दिया था आप कभी नहीं डांस कर पाओगे आफ्टर अ फैटल एक्सीडेंट, बट वो अपने विल पावर पर बनी रही और फाइनली वो डांस कर पाती हैं और सब कुछ कर पा रही हैं। सो यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि सेल्फ के द्वारा ही उन्होंने निर्णय लिया होगा कि मुझे करना है, उन्होंने अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स के द्वारा जो वो चाहती थी वो कर पाई। सो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जा रही है भैया, आई मीन पहली बात जो मैंने कही उसके हिसाब से सेल्फ को पर ज्यादा फोकस करते हुए कई बार तबीयत बिगड़ भी जा रही है, दूसरी बार मैं ये भी देख रही हूँ सेल्फ के द्वारा हम अपनी बॉडी को भी कंट्रोल कर ले पा रहे हैं, तो अगर हम एक निर्णय पर पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंचे, ये मेरा प्रश्न है जी। इसलिए मैं आपको बीच में रोककर उसको ठीक करा था पहले प्रश्न को, तो शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं कुछ अर्थ देता हूँ क्योंकि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं सब कुछ अर्थ देती हूँ, वो जो अर्थ देने काम है वहां पे सारा हमारा निर्णय बदलता है। तो परेशानी जो है वो शरीर में नहीं है, शरीर में तो कुछ क्रियाएं हो रही है जी, और जो शरीर में क्रियाएं हो रही है उसका निर्णय मेरा नहीं है, शरीर में क्रियाएं हो रही है तो प्रभावित करने का निर्णय मेरा है, उसको पढ़ता हूँ, अब उसको पढ़ के मैं परेशान भी हो सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ। जैसे आप देखेंगे कि कभी शरीर में कुछ है ना बुखार हो गया या जुकाम हो गया तो कभी आप बहुत परेशान होते हैं, कभी आप नहीं परेशान होते हैं। जब तक मालूम नहीं होता कि बुखार है तब तक काम करते रहते हैं, जैसे ही पता चलेगा बुखार है थर्मामीटर से मेजर कर लिया तो सारी परेशानी नजर आ जाती है, फिर ये भी होता है भैया, मतलब मैंने उसके बाद भी अगर पता लग गया कि शरीर में बुखार है ना, हो सकता है परेशान ना हो। अच्छा अच्छा, आपको ऑब्जर्व करिएगा तो शरीर में होने वाली क्रिया से आप उसी प्रकार से हर बार प्रभावित होंगे ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे अंदर जो भाव बना हुआ है, मेरे अंदर जो विचार चल रहा है उसके आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ। तो जो आपने उदाहरण लिया सुधा चंद्रन जी का है ना, ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, तो शरीर में कोई एक कठिनाई हो गई, अब उससे हम दुखी हो जाए, परेशान हो जाए कि भाई अब क्या होगा मेरा है ना, मेरा तो जिंदगी खराब हो गया, ये हो गया वो हो गया, एक संभावना उस संभावना की ठीक है ना, इसको ठीक कर लेंगे, इसका सदुपयोग कर लेंगे। तो कोई एक विशेष व्यक्ति की बात है ऐसा नहीं, वो हम भी करते रहते हैं। आपको अभी लगे कि खाना बनाना है ठीक और सभी को समय से नाश्ता मिलना है और आपका उंगली कट जाए सब्जी काटते हुए फॉर एग्जाम्पल, तो एक तो संभावना ये है कि आपने कहा कि ठीक है ना, डेटोल लगा लो या कोई चीज लगा लो क्रीम इसके ऊपर, खाना बना लेते हैं, उसके बाद बैठ के देखेंगे। दूसरा निर्णय है कि अब तो उंगली कट गया, अब क्या खाना बनेगा, अब बंद करो सब कार्यक्रम, पहले उंगली ठीक करेंगे। अब ये दोनों ही निर्णय आपका है, वो डिपेंड करता है आपके भाव विचार पर जी जी। तो कभी हमारे शरीर में कोई कठिनाई हो भी जाए तो उसके साथ हम निर्णय लेते हैं कि नहीं अभी भी ये शरीर साधन की तरह काम करेगा, इसे सदुपयोग करना है। कभी हमको लगता है ये बिल्कुल साधन की तरह काम नहीं कर पाएगा, इसको ड्रॉप करना है। तो कुछ लोग होंगे जिनके साथ अगर कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो सोच मतलब इनके अंदर विचार चलाएगी भाई सुसाइड ही कर ले, खत्म ही कर दे शरीर को, ये भी हो सकता है। भैया एक प्रश्न है जी, जैसे कि कई बार जी भैया इतनी बात क्लियर हो गई, फर्दर एक प्रश्न आया मन में, जैसे मुझे कई बार लगता है कि मैं काफी थकी हुई हूँ, तो मतलब मुझे अगर कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ अपना रिसर्च वर्क का करना है तो अभी नहीं करूंगी क्योंकि मेरा माइंड जो है वो फुल इफिशियंसी पर काम नहीं करेगा, एंड आई यूज टू टेक रेस्ट कि जब सुबह मतलब जल्दी उठ करके जब फ्रेश माइंड रहूंगी तो अच्छा काम कर लूंगी,
क्या मेरा सोचना फिर गलत है, ये मैं सेल्फ में डिसाइड कर रही हूँ कि मैं थकी हुई हूँ तो मेरी एफिशिएंसी पूरी नहीं होगी, क्या मैं उस समय भी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर पाऊंगी? नहीं भी कर पा सकती है, क्योंकि पढ़ने में, सुन लीजिए इसको, पढ़ने में तो है ना शरीर का रोल है, तो शरीर थका हुआ है ठीक, तो आप उतना सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, ब्रेन थका हुआ है ठीक है, शरीर थका हुआ है पूरा, तो आप उस तरह से प्रयोग नहीं कर पाएंगे शरीर का, तो रहता ही। जैसे अभी हम लोग सत्र सुबह में चला रहे हैं, 6:30 से 7:30 के बीच में अभी हम जितना बारीकी से ध्यान दे पा रहे हैं, है ना, शाम को अगर 6:30 से 7:30 के सत्र चला जाए तो इतने बारीकी से ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिन भर जो काम किया उसको लेकर बहुत सारा विचार चला, वो विचारों पे मंथन हो रहा होगा, प्लस शरीर की भी थकावट होगी, तो आप ध्यान देने जाएंगे तो सकता है नींद आने लगे। अभी आप ध्यान देने जाते हैं नींद नहीं आती, आप बारीकी से ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो शरीर की अपनी एक सीमा है, शरीर तो जड़ इकाई है, उसमें ये थकावट हो जाती है, हो सकता है मैं में भी थकावट हो जाए, अगर हम ना समझें और हम काम करते रहें और उसे बहुत सारा अपने अंदर प्रश्न खड़ा हो जाए, बहुत सारा उलझन परेशानी तैयार हो जाए, तो मैं भी थक जाता है, बट इसकी थकावट अलग प्रकार की है। अगर हम समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, तो फिर थकते नहीं है, शरीर थकता है, शरीर को हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके अनुसार कार्य कम बनाते हैं, तो ठीक है, अगर हमको लगता है कि अभी शरीर थक गया है तो कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, तो हम अभी भी करते हैं, अभी भी हम कार्यक्रमों को उसी हिसाब से तय करते हैं। अगर फिजिकल वर्क हेवी करना है ना, खेत में जाके खेती करनी है, फावड़ा चलाना है, तो सुबह आप जाके चला ले ठीक है, रात भर थका, रात भर सोया, शरीर थका कम है ना, आप सुबह फावड़ा चला ले, आप शाम को जाएंगे 6 बजे फावड़ा चलाने ठीक, तो ज्यादा थकावट लगेगी, नहीं कर पाएंगे उतना काम, हम तो अभी भी शरीर की स्थिति के अनुसार अपनी योजना कार्यक्रम बनाते ही। ठीक है दीदी, जी भैया काफी हद तक क्लियर, धन्यवाद। बढ़िया दीदी। अच्छा भैया एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो मतलब फर्क नहीं जानता हूँ, पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। आईक्यू लेवल जो होती है उसको मेजर किया जाता है, उसको बताया जाता है कि कितने आईक्यू में है या ईक्यू में है, या जो भी क्वेश्चन बताया जाता है जो मापने की एक प्रक्रिया है, जो कि टेस्ट मापने का समय है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, वो जो कुछ भी कार्यक्रम है। लेकिन एक और बात बोली जाती है कि हम अपनी पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर रहे हैं, हम खाली 7% या 10% को यूज कर रहे हैं। ये जो हम यूज कर रहे हैं वो ब्रेन को यूज करने की बात हो रही है कि सेल्फ को यूज करने की बात हो रही है? दोनों को यूज कर रहे हैं वहां पर। तो अगर सेल्फ में एनालिसिस प्रॉपर हो पा रहा है तो आईक्यू बढ़िया होगा, अगर एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा, उलझन है ना, या किसी मुद्दे पे ध्यान देते हैं और स्पष्टता नहीं रहती है, ध्यान कहीं और चला जाता है, तो जब तक प्रश्न पूछा गया कहीं ध्यान और चला गया, तो प्रश्न समझे ही नहीं, तो आईक्यू हमारा कम हो जाएगा। तो सेल्फ का रोल तो है ही, अब ब्रेन का भी है, ब्रेन जितना स्वस्थ होगा उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, तो दोनों का ही है। तो जो हम कम यूज कर रहे हैं, जो हम ज्यादा यूज करने की पोटेंशियल जो रखते हैं, वहां पे किस कमी की बात हो रही है या किस इमोशनल क्वेश्चन कि भाई आईक्यू तो अच्छा हो सकता है व्यक्ति का, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है जी। है ना, तो आदमी के अंदर भाव कितना विकसित है, और उसके आगे हम लोग को एक और क्वेश्चन डेवलप करना चाहिए, यूक्यू, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन कितना है कि नहीं। इंटेलिजेंस जो है वो तो विचार के स्तर पर है, इमोशनल क्वेश्चन जो है वो भाव के स्तर पर है, अंडरस्टैंडिंग स्वयं में है ना, जो उसके और आगे का डेवलपमेंट है वहां पे। तो अभी हम अगर देखें तो हम यूक्यू को डेवलप कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, मैं अपने आप को कितना समझ पा रहा हूँ, शरीर को कितना समझ पा रहा हूँ, मेरे और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको कितना समझ पा रहा हूँ ठीक। अगर ये ठीक से डेवलप कर लेंगे तो हमारा ईक्यू भी डेवलप हो जाएगा, आईक्यू भी डेवलप हो जाएगा, क्योंकि अगर इस बात को हम ठीक समझ पाते हैं तो हमारा भाव निश्चित बना रहता है, निरंतर बना रहता है, और फिर जो विचार करते हैं उसमें उलझन परेशानी कम होती है। तो बेहतर है कि ये आईक्यू से शिफ्ट होकर यूक्यू पे आ जाए, उसे बाकी चीजें अपने आप ठीक होंगी, और इंटेलिजेंस का भी कितना प्रयोग करना है ये भी तय हो जाएगा। ऐसा हो सकता है यूक्यू पहली बार सुन रहा हूँ नहीं मैं खुद ही डिफाइन कर रहा हूँ उसको नहीं बहुत बढ़िया, इसलिए तो मजा आ रहा है। लेकिन ये जो कमी की बात होती है 7% 8%, मतलब हम इतना रह के भी जो कहीं नहीं कर पा रहे हैं, अभी तो आप
यूट्यूब की बात जो छेड़ दी तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन ये किस स्तर पे होता है, भाव के स्तर पे होता है कि कहाँ पे होता है, क्योंकि भाव के ऊपर किस स्तर की बात कर रहे हो आप? हाँ, तो अभी जैसे हम ये देख रहे हैं, मैं हूँ, शरीर है, ये दो अलग अलग वास्तविकता है, ये समझना है। जब मैं इसको समझता हूँ तो शरीर के प्रति मेरा जो भाव बनता है संयम का बनता है। तो समझना क्या हुआ, मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है, दोनों का सहस्तित्व बना हुआ है, ये समझने की बात है। इससे भाव क्या बना, संयम का भाव बना। अब मैं शरीर का साधन की तरह प्रयोग करता हूँ, ठीक। अब उस साथ में मुझे जब भोजन का चयन करना है तो वहां मेरा आईक्यू काम करेगा कि अगर शरीर के पोषण के अर्थ में भोजन लेना है तो किस चीज को किसके साथ मिलाकर खाएंगे तो ज्यादा अच्छा शरीर रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि तेल में पूरा भजिया तल के खाएंगे, ठीक। तो अब पता है कि शरीर के लिए, हार्ट के लिए इतना ज्यादा तेल ठीक नहीं है, तो कम खाएंगे। तो अब जो निर्णय लेंगे, इसी को ईक्यू और यूक्यू में बता दीजिए जी, इसी को ईक्यू और यूक्यू में बता दीजिए, भजिया तलने का या जो खाने का बात कर रहे हैं आप, ईक्यू में और यूक्यू में बता दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन का आंसर मेरे को निकल जाए। तो यूक्यू ये हुआ कि मैं देख पाता हूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, मैं चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। इसको मैं जितना स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ उतना मेरा यूक्यू हाई है। उसके आधार पर जितना संयम का भाव मेरे अंदर विकसित हो पाता है उतना मेरा ईक्यू हाई है। और उसके आधार पर जो मैं विचार करता हूँ शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में, जितना साफ साफ विचार कर पाता हूँ, स्पष्ट रूप से विचार कर पाता विदाउट कंफ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन, उतना मेरा आईक्यू हाई है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बढ़िया भैया। जी भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते, एकदम बढ़िया बढ़िया चल रहा है। एक्चुअली आपने जो यूक्यू पॉइंट रखा ना, तो फिर मेरा ये क्वेश्चन ही मेरा थोड़ा सा क्या बोलते नहीं के बराबर हो गया। मेरा क्वेश्चन यही था भैया कि जो हम अभी 10 मिनट वाला जो ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं मतलब डेली, तो उसमें हमने शुरू से ये पाया है कि जैसे हम आंख मूंद लेते हैं या सेल्फ को देखना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हैप्पीनेस के बदौलत हमारे पास वही लिस्ट आ जाते हैं जो मैंने इसके पहले भी एक बार बोला था कि जो भी हमारे पेंडिंग काम हमको दिख रहे हैं आज दिन भर में, जो भी हमको काम करने हैं, वही सीरियली धीरे धीरे आते हैं और उसमें हमको एक अच्छा हैप्पीनेस लगने लगता है। तो क्या भैया ये स्टेज जो है हमारी ऐसे धीरे धीरे बाद में कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या कुछ भी नहीं सोचना ऐसा चालू हो जाएगा? प्लीज इसके ऊपर 2 मिनट बोल देंगे भैया, स्पष्ट नहीं हुआ थोड़ा, क्या खत्म हो जाएगा थोड़ा ये एक बार फिर रख देंगे, क्या स्टेज खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाना है ने, जैसे हम सेल्फ को, हाँ, सेल्फ को सेल्फ से देखने के लिए जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें हमारे जो पेंडिंग काम की लिस्ट है, हम हैप्पीनेस चाहते हैं जब भी हम सेल्फ को देखना चाहते हैं, तो ये हैप्पीनेस लाने के लिए हमको ऐसा लगने लगता है जब हम ये ध्यान करते हैं 10 मिनट का, कि हमारे जो भी पेंडिंग वर्क्स है, फॉर एग्जांपल कॉलेज के कुछ काम है, घर के कुछ काम है, या जो भी पेंडिंग वर्क्स है, तो वही उभरने लगते हैं, बाकी कुछ नहीं दिखता है, और उससे हमको हैप्पीनेस होता है कि चलो अच्छा हो गया हमने ये रिवाइज कर लिया कि ये काम इसके बाद हम 7:30 बजे के बाद ये काम करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये स्टेज हमारी कुछ दिन के बाद ऐसे ध्यान करते रहे तो खत्म हो जाएंगे क्या? नहीं, पेंडिंग काम बने रहेंगे जब तक धरती पे अखंड समाज नहीं हो गया, मानवीय परंपरा नहीं हो गई, पेंडिंग काम तो बना ही हुआ है। तो वो तो हमारे देखने की बात है कि अभी हम अपने भागीदारी को किस सीमा तक देख पा रहे हैं। हाँ, ये जो पेंडिंग काम है स्वयं में ब्लॉक B1 को एक्टिव करने का, वो पेंडिंग काम नहीं रहेगा, वो पेंडिंग नहीं रहा, वो कम्प्लीट हो गया, इतना हो गया। उसके साथ अच्छा। मेरे आचरण की जो निश्चितता होनी थी वो भी हो गई, मतलब धीरे धीरे मेरे आचरण की जो निश्चितता होनी थी, बिहेवियर वर्क एंड पार्टिसिपेशन, वो भी पेंडिंग नहीं रहा, है ना, वो भी निश्चितता हो गई। बट उसका जो मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, उसकी इवैल्यूएशन करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, रिव्यू करूंगा, है ना, वो सारा तो चलता रहेगा। तो उसमें हम कभी भी बैठेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ भाई, है ना, अभी भी देखो धरती के इस भाग में अभी लोगों के पास भोजन का अभाव है, धरती के इस भाग में अभी भी लोग, है ना, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आसपास भी दिखाई देगा, तो उसके लिए अपना भागीदारी दिखाई देती है, तो बैठेंगे तो ध्यान जाएगा ही वहां पे, उतना तो रह सकता है। अच्छा अच्छा
मतलब ये जब लग सकता है कि देखो शरीर के लिए अभी मुझे ये व्यवस्था बनानी है, अभी इतना बना दिया हूँ, अभी शेष रह गया कुछ जी, परिवार जी। के लिए लग सकता है कि देखो अभी इन्होंने नहीं समझा है, अभी इनके लिए व्यवस्था बनानी है, इनको समझने के लिए प्रोग्राम बनाना है कि नहीं जी जी। मतलब ये यही हुआ कि मेरा आंसर यही है कि ये हमेशा कंटिन्यू होता रहेगा, और ये सोचने में ही हमको अगर हैप्पीनेस मिल रहा है तो हम अल्टीमेटली अच्छा ही काम कर रहे हैं, बराबर है ना, समाज को सुधारने का या जो भी आपने एग्जांपल दिया जी भैया। ये जो सोच आप जो कर रहे हैं कि पेंडिंग काम याद आ जाते हैं तो मैं उसको लिख लेता हूँ, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ, उसको हैप्पीनेस मिलता है मुझे, ये कोई डेफिनेट सोर्स नहीं हुआ हैप्पीनेस का। अच्छा, डेफिनेट सोर्स नहीं हुआ। डेफिनेट सोर्स तो स्वयं में सही समझ, सही भाव विकसित करना, इसलिए मैंने कहा पेंडिंग काम तो बने रहेंगे। अच्छा, हो सकता है कई सारे पेंडिंग काम ध्यान ना आए अपने आप को। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम जो पेंडिंग था वो पता लगा, बट ये हैप्पीनेस का सोर्स वही वही मतलब वो उससे तो थोड़ा हैप्पीनेस बढ़ते जा रहा है यार, मतलब अच्छा अच्छा लग रहा है। ठीक है भैया जी, भैया नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्ते, बढ़िया भैया। नमस्ते भैया जी। नमस्ते, बढ़िया सेशन चल रहा है, आपके प्रति कृतज्ञता भैया। दृष्टा कर्ता और भोक्ता का जो अभी चर्चा थी, और अभी जब मैं ध्यान भी कर रहा था, मेरा ध्यान इस प्रकार से इसी बात से मैं ध्यान कर रहा था, इसीलिए तो भोक्ता मैं हूँ ये दिखता है, मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। कर्ता में क्या है कि थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए आपको, क्योंकि शरीर के कंट्रोल में एक लिमिट है, कुछ क्रियाएं ऐच्छिक हैं, कुछ अनैच्छिक हैं, जैसे मेरे हार्ट बीट मैं चाह के शायद रोक नहीं सकता, तो इस पे एक थोड़ी सी क्लैरिटी आप बताएं कि मेरा शरीर पे कंट्रोल का कोई है, मतलब कोई एक सिस्टम है कि यहाँ तक कर सकता हूँ मैं, इसके आगे नहीं कर सकता हूँ। देखिए उसमें भी है ना, मुख्य मुद्दा तो निर्णय लेने का है, तो अगर शरीर समाप्त हो जाए तो हृदय धड़कना रुक जाएगा, तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं कर सकते। अब उसको किस विधि से करें कि शरीर बना रहे बट हृदय की धड़कन कम हो जाए, तो आप पाएंगे इसमें अल्टीमेटली हमें इस जड़ इकाई को साधना होता है, तो इसको हम लोग साध भी सकते हैं, शरीर की एक एक कोशिका को कैसे हम व्यवस्थित करें या नियंत्रित करें या उसकी गति को हम प्रभावित करें, इसको हम साध सकते हैं। इसको साधने के बहुत सारे प्रयास भी हुए हैं, जैसे हम सांस को साधते हैं, अभी हम जिस तरह से सांस लेते हैं और आप जब अनुलोम विलोम करते हैं, सांस लेने छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, सांस को साधते ही है कि नहीं, जब आप कपाल भाती कर रहे हैं, बैठे बैठे योगा कर रहे हैं, तो आप पेट को साधते ही है, तो ऐसे ही हम शरीर के हर एक अंग को साध सकते हैं। तो अगर ये कला विकसित करने की बात है, इसमें कोई समझ का मुद्दा नहीं है, बेसिकली अगर देखें तो कला विकसित करने की बात है, तो हम हृदय की धड़कन को भी साध सकते हैं। अभी भी आप देखिए, अगर हम उछलने लगे तो अभी जो हृदय एक मिनट में 72 बार धड़क रहा है, कहीं 172 बार धड़कने लगे, बहुत तेजी से उछलने लगे हम, ठीक। और यदि हम बिल्कुल शरीर को शिथिल कर दें, कोई काम ही नहीं लेना शरीर से, तो जो 72 बार धड़क रहा है 52 बार धड़केगा और कम धड़केगा, तो ये तो अभी भी हम कर सकते हैं। और इसकी अगर धड़कने की प्रक्रिया को हम जान लें और उसको प्रभावित कर सके, तो उसको और ज्यादा हम प्रभावित कर पाएंगे, बट इसमें अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। ठीक बात, देखिए शरीर को साधन की तरह देख पाने में ही उपलब्धि है, नहीं तो ये सब साधना करके या इस तरह के शरीर को साध कर अभी हम बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना, इसका कोई बहुत उपयोग नहीं है। बढ़िया बढ़िया, मतलब थ्योरेटिकली सेल्फ का बॉडी पे पूरा कंट्रोल है, ऐसा मान के आगे बढ़ते हैं जी। अब भैया एक प्रश्न जो है, दृष्टा वाला जब करते हैं तो उसमें क्या है कि जैसे मैं देखता हूँ तो मैं अपने शरीर को भी देखता हूँ और बाहर भी देखता हूँ। अब प्रश्न ये आता है कि दृष्टा जब मैं ज्ञानेन्द्रियों के थ्रू ही देखता हूँ अभी है, तो अगर शरीर नहीं रहेगा तो मेरा दृष्टा भाव बना रहेगा या वो हट जाएगा, एक ये कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा सा, इसको क्लियर प्लीज। बना रहेगा, देखिए अभी भी ज्ञानेन्द्रियों के थ्रू जो बार बार बात हो रही है ना, कि हम तो शरीर का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, तो ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग तो तब मैं करता हूँ जब मुझे शरीर से जो बाहर का वातावरण है उसके साथ कुछ आदान प्रदान करना है, तब मैं प्रयोग करता हूँ। बट यदि शरीर के भीतर होने वाली क्रियाओं को देखना है तो ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग नहीं करता हूँ, स्वयं में होने वाली कल्पनाशीलता को देखना है, शरीर का ही प्रयोग नहीं करता हूँ, ज्ञानेन्द्रिया क्या, शरीर के अंग का प्रयोग नहीं करता हूँ। और यदि मुझे सीधे सीधे अस्तित्व को देखना है, व्यवस्था को देखना है, संबंध को देखना है, तो अपनी कल्पनाशीलता का भी मैं बहुत ही लिमिटेड प्रयोग करता हूँ, सिर्फ उसको है ना टिकाए रखने के लिए बस।
यही ध्यान बना रहे, विचारों का प्रयोग नहीं करता हूँ मैं उस समय। ठीक है, तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये है कि शरीर की जरूरत नहीं है दृष्टावाह होने के लिए, कोई मैंडेटरी नहीं है, ये भी एक बन गई बात। हाँ, आप चैतन्य इकाई है, आप हर क्षण दृष्टा है, शरीर रहे चाहे न रहे, जब शरीर से नहीं जुड़े थे तो भी दृष्टा थे, जुड़े हैं तो भी दृष्टा है, शरीर साथ नहीं रहेंगे फिर भी दृष्टा रहेंगे। हाँ, वो ज्ञान भी रहेंगे, करता भी रहेंगे, है ना। बट ये कि साधन नहीं है, जैसे अभी हमारे पास अगर स्कूटर है तो एक और साधन हो गया है, उनको कहीं से कहीं जाना हो तो अपने कर्ता भाव का एक तरह से प्रयोग करेंगे, किक मारेंगे, स्कूटर चलाएंगे, पहुंच जाएंगे 5 मिनट में। अब स्कूटर नहीं है तो कर्ता भाव का दूसरे ढंग से प्रयोग करेंगे, पैदल चलेंगे। अब शरीर ही नहीं है तो कर्ता भाव किसी और तरीके से प्रयोग करेंगे चैतन्य इकाइयों से जुड़ने के लिए। ठीक, तो अभी मतलब इस एक्सरसाइज को करते हुए कभी कभी ऐसा भाव भी आता है कि अगर शरीर में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत चिंता करनी है। जैसे कार वाला है कि कार में अगर कोई चीज खराब हो रही है तो मेरे को ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह से एक मतलब ठीक स्थिति दिख रही है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर या शरीर में कुछ हो जाता है क्योंकि वो मैं हूं नहीं, ऐसा कभी कभी भाव आता है। तो मेरे को इसमें ठीक भी लगता है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती है, इस तरह से ऐसे सोचता। थैंक यू भैया, थैंक यू। अभी रुकी रुकी, निष्कर्ष गलत हो गया। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, मैं तो कहूंगा हम परेशान होते ही नहीं है। जब मुझे शरीर साधन के रूप में दिखता है, दिखता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, है ना, इसका सदुपयोग भर कर रहा हूँ, तो हम परेशान होते ही नहीं है क्योंकि मुझे अपनी भागीदारी स्पष्ट है। तो भागीदारी शरीर के साथ भी है, शरीर के बिना भी है, मेरा अस्तित्व बना हुआ है, मुझे स्पष्ट है, शरीर रहे चाहे न रहे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होती है, परेशान होंगे ही नहीं हम, ज्यादा या कम क्या, क्यों परेशान होंगे। शरीर में जड़ क्रियाएं हो रही है, उसकी सूचना आ रही है, अभी भी बहुत सारी जड़ क्रियाएं हो रही है। अगर आप शरीर के किसी अंग को ठीक से देखना शुरू करेंगे तो थोड़े समय बाद लगता है ये तो परेशानी का कारण हो सकता है, क्यों भाई इतना ज्यादा संकुचन प्रसारण हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, आप कोई उसी भी परेशानी मान ले तो परेशान हो सकता है कि नहीं। शरीर के किसी न किसी अंग में कोई ना कोई क्रिया बाधित रहती है, किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी के पेट में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हार्ट में, किसी के लंग्स में, किसी के घुटने में, किसी के पीठ में, किसी गर्दन में, किसी के सिर में, है ना, तो उसे परेशान क्यों होना है। समझ में आ रहा है कि हाँ ये शरीर में जड़ क्रिया हो रही है, उसको ठीक करना है अगर कहीं बिगड़ गया तो। बहुत बढ़िया, तो वो बात फिर वही पहुंच गई कि परेशानी या सुखी दुखी तो स्वयं में होना है, बात तो वही पहुंच। ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बढ़िया भैया, कुछ चैट बॉक्स में प्रश्न है, मैं एक बार रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। चारण भैया का प्रश्न है, आचरण एवं व्यवहार में क्या अंतर है। तो आचरण का एक भाग है व्यवहार। तो आचरण में मेरा भाव, विचार, व्यवहार, कार्य, भागीदारी, ये सारा शामिल है, तो उसका एक भाग हुआ व्यवहार। जी, वह जड़ इकाई जो स्वयं चल रही है किसी नियम से, मैं अवरुद्ध कर सकता हूं, पर ये नियम तय कैसे हुआ। नियम सहस्तित्व पूर्वक तय है, हर इकाई शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, इस प्रकार संबंध में है, व्यवस्था में है, सहस्तित्व में है, ये नियम तय है। तय मतलब बनना ही हुआ है, और उसमें मेरी भागीदारी, इस भागीदारी के आधार पर मैं प्रभावित कर पाता हूं। तो निर्णय कौन लेता है इसको देखने क्रम में अभ्यास यह है कि शरीर को किसी एक स्थिति में रखना है, फिर देखना है कि संकेत देने और संवेदना को पढ़ने का निर्णय कौन लेता है। ये भी देखना है कि शरीर की स्थिति कैसे बदली, मैं के निर्णय से या बिना मैं के निर्णय से, इसको अपने आप में ऑब्जर्व करना है। तो किसी एक स्थिति में बना के रखा शरीर को और फिर देखा कि यदि पोस्चर बदला तो कैसे बदला। दूसरा अभ्यास ये है कि शरीर के साथ हर आदान प्रदान को देखें कि निर्णय कौन लेता है, मैं या शरीर। तो नियमित कार्य करते समय, जैसे सुबह उठना है, तैयार होना है, घरेलू कार्य करना है, ऑफिस के नियमित कार्य करना है, चलना है, फिरना है, भोजन करना है इत्यादि, इसमें निर्णय कौन ले रहा है। और यदि अचानक कोई घटना घटित हो रही है, उसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कोई आवाज, कोई स्पर्श, कोई दृश्य, तो उसमें भी निर्णय किसका है। इनमें ये भी देख सकते हैं कि पलक झपका भी रहे हैं, उसमें भी निर्णय किसका है, कोई निर्णय है या बिना निर्णय का हो रहा है।
और ये सब देखकर हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, देखें कि दिन भर में कितनी देर शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं और कितनी देर मैं स्वयं में क्रियाशील हूं। तो इनमें से एक भाग को हमको स्पष्ट रूप से देखना है। इनफैक्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो आपको पता लगे कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसमें भी मेरा निर्णय है, ऐसा नहीं आंख के सामने मक्खी आई और आंख अपने आप बंद हो गया, मेरे निर्णय से बंद हुआ। मेरे अंदर शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है तभी ये बंद हुआ है। अगर भाव न रहे वैसा तो नहीं बंद होगा। आप गिरे और मुंह से कोई गाली निकल गई, ऐसा नहीं कि अपने आप निकल गई, या कोई मैं मर गया है ना, या किसी प्रति विरोध का भाव आ गया और कोई शब्द निकल गया मुंह से, तो ऐसा नहीं अपने आप निकल गया। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको आज हम लोग दिन में करेंगे एज एन असाइनमेंट। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। भैया मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी भैया, एक तो मैं ये एक मेरा छोटा सा एक मिनट का ऑब्जर्वेशन था, बताना था कि रात को मैंने मतलब कल मैंने सोचा डिनर नहीं करूंगी, तो भैया फिर मैंने निर्णय कर लिया डिनर नहीं करना, तो मैं आराम से सोने चली गई। सोने गई तो फिर मेरा भूख महसूस होने लगी बहुत तेज, तो फिर मैंने निर्णय किया कि नहीं मतलब मैं मतलब सेल्फ अलग है, बॉडी अलग है, बॉडी का क्या रोल इसमें अभी, और इतनी एनर्जी तो सुबह के खाने से ब्रेकफास्ट से दोपहर के लंच से मुझे मिली हुई है, तो मेरे को तो मैंने ना भैया बिल्कुल उस संवेदना को पढ़ा ही नहीं। मैं कहा नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, ऐसा निर्णय किया। भैया मुझे विद इन बस एक मिनट ही में ही नींद आ गई बहुत गहरी, फिर मैं सुबह ही उठी। एक भैया मेरा ये क्वेश्चन था कि जो अभी टी शर्ट पे सिग्नेचर डे चल रहा है, बच्चे आजकल जो पास आउट होने वाले होते हैं वो सिग्नेचर डे चलाते हैं अपनी टी शर्ट में, तो मेरा बेटा भी इसी कॉलेज में पढ़ता है, तो दो बच्चे मेरे घर में आ गए कि मैम आपके सिग्नेचर लेने आए टी शर्ट पे, कहने लगे मैम मतलब हमने सबने टी शर्ट पे अपने सिग्नेचर कराए, और जो है हर्ष ने बिल्कुल सबको मना कर दिया, बस हम एक दो लोग थे उनसे अपनी बाजू पे करवा लिए शर्ट की, तो इंट्रोवर्ट है मैम वो लगता है ऐसे बच्चे बोलने लगे। तो भैया मैं यही पूछ रही थी कि ये जो संवेदना और प्री कंडीशनिंग वाली मतलब थॉट है बच्चों का ये टी शर्ट डे पे जो करवाना, और मेरा बेटा क्या उसको समझ पाया इसलिए, या वो वास्तव में उसमें अभी संबंध का भाव नहीं है इसलिए उसने नहीं करवाया, ये मैं थोड़ा सा भी जान पा रही मतलब सोच पूछ रही हूँ भैया कि ये प्री कंडीशनिंग और सेंसेशन वाली हमारी इमेजिनेशन से गाइडेड हो रहे हैं बच्चे, या भैया थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा इसको आप गाइड करें, मतलब क्वेश्चन मेरा बन रहा है। बच्चे ने किस आधार पर निर्णय लिया है तो बच्चा ही बता सकता है कि उसने किस आधार पर लिया, वो संबंध के भाव में भी निर्णय ले सकता है, या संबंध के भाव के साथ ये लग रहा है कोई प्रयोजन नहीं इसका, है ना, निष्प्रयोजन है, निरर्थक है, इसलिए उसको अलाउ नहीं किया। तो बच्चे से तो हम बात कर सकते हैं, बच्चे ने ऐसा निर्णय क्यों लिया अपने बारे में मगर तय कर सकते हैं। तो जो बच्चे कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं वो हमारे साथ एक संबंध का भाव रखते हैं, ठीक, उसकी कोई पहचान बना के जाना चाह रहे हैं, और पहचान बनाने की विधि ठीक क्या होगी है ना वो तय कर सकते हैं। तो सिग्नेचर ले लेने से क्या पहचान बन जाएगी संबंध की, क्या उसमें भागीदारी निश्चित बनी रहेगी, अगर नहीं रहेगी तो उसकी निश्चित भागीदारी कैसे होगी। तो ये तो इम्पोर्टेंट काम है कि जो बच्चे निकल रहे हैं कॉलेज से और उन्होंने अगर ह्यूमन वैल्यूज का वर्कशॉप किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है, हाँ जी, नेशनल प्रोग्राम रहे हैं, तो हम उनके साथ एक निश्चित अपनी भागीदारी बना कर रखें, जो नहीं किए उनके साथ भी बना के रखेंगे, और जो किए हुए हैं उनके साथ हम ट्रैक भी करेंगे कि इनके आगे लाइफ में क्या चल रहा है और कैसे ये समझ ले और आगे गतिशील हो पा रहे हैं। तो हमारा रोल सिर्फ इतना नहीं है कि इंडक्शन प्रोग्राम में हमने बच्चों को कुछ शेयर किया, VHV2 में कुछ शेयर किया, इलेक्टिव्स में कुछ शेयर किया, बट आगे भी हम देखेंगे कि इनकी लाइफ कैसे चल रही है ना, और वो कैसे समाज के लिए और भागीदार और उपयोगी हो सकते हैं। हाँ जी भैया, मैंने बेटे को बस पूछा था तो उसने कहा मम्मी मुझे कोई सार्थकता नजर नहीं आ रही है इस इन चीजों में, ये साइन वाइन कराना क्या है, ये सब मुझे बेकार की बातें लगती हैं। उसने मैंने उसे पूछा तो उसने कहा नहीं मम्मी क्या हो जाएगा मुझे बताइए, साइन वगैरह कराने से मुझे इसमें कुछ भी सही ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, ऐसा उसने मुझे कहा। और दूसरा भैया, मेरे बच्चों को जब साइन करवाने आए तो मैंने कहा कि अपना मतलब ये नहीं कि आप साइन करा के चले गए, ये बना के रखना है, आप जिंदगी में क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं आप, वो सब भी अपना शेयर करेंगे। और भैया ग्रुप भी बनाया हुआ है बच्चों के साथ, वो ग्रुप अभी तक सर भैया 5-5 7-7 8-8
आठ साल हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, उनकी अपना वो सारा हमारा कॉन्टेक्ट सर बना रहता है भैया, मतलब। और आपकी बात सही है कि वो भागीदारी के मामले में जिंदगी में क्या स्किल अचीव कर ली वो नहीं, वास्तव में अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर भी कहाँ तक गए इस पर उसका भी ध्यान रखना है। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज के लिए असाइनमेंट है जो सामने स्लाइड पे लिखा है, वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आ गया, हम सभी इस बात करेंगे विधिवत। इन असाइनमेंट्स को जरूर करें आप, और हर चार घंटे पे 15-20 मिनट का समय निकाल के एक बार ध्यान दे ले, एक अभ्यास में आ जाएगा। फिर हमको दिखाया कि एक मौलिक काम है जो अपने को करते रहना है, बनाए रखना है। बढ़िया, तो सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।